हेलो गाइस, वन द मेन प्रॉब्लम जो कोई बताता नहीं किसी गोस्ट कोई कोचिंग वाला कोई नहीं बात करता इस बारे में. व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दैट यू हैव टू सेपरेटली बाय एवरी कॉलेज का फॉर्म. तो फिर ये वाली फीलिंग आती है, ये वाला चेहरा बन के आता है. हर कॉलेज में बाय करना पड़ेगा फॉर्म, हर एप्लीकेशन फॉर्म बाय करना पड़ेगा यार. हर बंदा अरे सॉरी एग्जाम दो, एक तो क्रैक होगा ही होगा. एवरी फॉर्म हैव गॉट एवरेज 2000 रुपये की कॉस्ट. स्नैप की कॉस्ट इज 5000 रुपीज, 5 to 6000. 2000 रुपये का 2400 का कॉलेज का फॉर्म, फिर 1000 रुपये हर कॉलेज की एप्लीकेशन फीस. ठीक है, तो आई डोंट हैव दैट मच मनी टू अप्लाई एवरीवेयर. सो टुडे वी लुक एट 3-4 कॉलेजेस, हाउ टू चूज विच एग्जाम टू टेक, एंड इट ऑल डिपेंड अपॉन यू. ठीक है, वी आर सो लॉन्चिंग अवर प्रोग्राम इन केस वॉन्ट टू ज्वाइन. वी आर लॉन्चिंग अवर program for CAT, CET, all the exams. So in case you want to join, just call or WhatsApp any of the numbers given here. You can join for only books, non-CAT exam. Because CAT or non-CAT mein ekdam alag hai. And I'm going to make a video for every exam. Ke should I take it or not? ठीक है, ऐसे हम नाले में नहीं कूदेंगे जहाँ हमें नहीं जाना. For example, SIMBI SI Snap exam is based for the colleges which are based in Pune. अगर आपको पुणे जाना ही नहीं है, एक बार मम्मी से बात करोगे, मम्मी ने वैसे मना कर दिया कि बेटा हमने तेरे को कभी रेलवे स्टेशन जाने नहीं दिया अकेले, तू पुणे की बात कर रही है, तो बात वहीं खत्म हो गया. ठीक है, एनीवे, सो देयर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, वन हु आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, जिनको कैट में एक अच्छा स्कोर आ रहा है मॉक्स में हर जगह. सिंपल थंब रूल, अगर आपका कैट में 50-60 पार हो रहा है, मतलब यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. देन कैट, जैट एंड IFT, ये तीन एग्जाम हम दे सकते हैं, कैट, जैट, IFT, बिकॉज तीनों एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, अगर आपको कैट ही पसंद नहीं आ रहा, कैट में ठुकी पड़ी है, मॉक में 30 नंबर पार नहीं हो रहा, तो चुपचाप कल्टी मार के बी ग्रुप में आ जाओ. बी ग्रुप मतलब कैट के अलावा आई फोकस ऑन द नॉन कैट एग्जाम. जैट IFT मैं छोड़ दूंगा. जैट का एडवांटेज क्या है, बिकॉज कॉम्पिटिशन कम है तो तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा आने वाली है. मेरा जो नॉर्मल थंब रूल रहता है कि वॉट एवर यू स्कोर इन द कैट एग्जाम, आपका 10% जैट में ज्यादा आएगा. इधर 70 तो उधर 80, उधर 80 तो 90, इधर 95 तो उधर 99, हमेशा. टू स्मार्ट नहीं है बेटा, कॉम्पिटिशन कम है. सेकेंड इज ऑल द नॉन कैट एग्जाम, CET, स्नैप एंड CMAT. ये चारों एग्जाम ऐसे, इनफैक्ट कैट और इसको अगर छोड़ दो, कैट और IFT और जैट को छोड़ दो, तो हर एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मोटा मोटा सेम. हर एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, सो वन वे टू डिफ्रेंशिएट माई सेल्फ इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सो आई कैन फोकस ऑन कैट, जैट एंड IFT. अगर तुम बहुत स्मार्ट हो, मॉक में स्कोर भी आ रहा है, अगर कैट को लेके फटी पड़ी है, मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो चुपचाप नॉन कैट एग्जाम में आ जाओ, बिकॉज दे आर इक्वली गुड ऑप्शन. फाइन, पब्लिक क्या करता है, कैट तक सैड रहेगा, कैट तक रोते रोते कैट निकालेंगे, कैट के बाद दे विल बिकम एक्टिव, सुपर एक्टिव एंड प्रिपेयर फॉर द नॉन कैट एग्जाम. तो भाई वाई टू वेस्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स का टाइम, इमिजिएटली स्विच मारना. कैट तो देना ही है, कैट तो फॉर्म भर ही चुके हम लोग, बाकी एग्जाम का फॉर्म अपन देख के भरेंगे. तो जैट और नॉट, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल ऑफ डिफिकल्टी.